हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, उसके बारे में क्या अपडेट निकल कर आया है, उसका परफॉर्मेंस आज का कैसा था और कल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और जो न्यू इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या उन्हें ये करेक्ट लेवल है जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हम आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, पहले तो हम आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, टाटा मोटर्स का कैसा परफॉर्मेंस था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 318 रुपीज़ 30 पैसे पर इसने क्लोजिंग दिया है, और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 0.14% की जो है इसमें गिरावट देखने को मिली। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, ये स्टार्ट ऑफ द डे लगभग 325 टू 326 रुपीज़ तक टच होके वापस दोबारा से नीचे आ गया फ्रेंड्स। और अगर हम ओपन के बारे में बात करें तो 319 रुपीज़ 20 पैसे पर ओपन हुआ था, ये हाई लगाया था। 325 रुपीज़ 70 पैसे पर ये हाई लगाया और ये लो लगाया 317 रुपीज़ 30 पैसे। चलिए फ्रेंड्स, हम NSE के वेबसाइट पे देख लेते हैं कि इसमें कितने कैसा कारोबार था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 3 करोड़ 25 26 लाख का जो है इसमें ट्रेडिंग हुई थी, और डिलीवरी उठाई गई है 43,86,000 की जो है इसमें डिलीवरी उठाई गई है। आप कई दिनों से देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसमें डेली ट्रेडिंग हो रही है, इसमें कोई डिलीवरी ज़्यादातर परसेंटेज में नहीं उठा रहा है फ्रेंड्स। चलिए हम चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है आज का और इसमें कैसा परफॉर्मेंस रह सकता है कल का। जैसे कि आपने देख देख सकते हैं कि एक नेगेटिव कैंडल बनाया है फ्रेंड्स टाटा मोटर्स ने, और इंडिकेट कर रहा है कि कल भी इसमें गिरावट का माहौल दोबारा से बना सकता है फ्रेंड्स। अगर ये नेगेटिव कैंडल बनाता है, कल भी जो है नेगेटिविटी इसमें बरकरार रहती है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको 315 318 312 का जो है लेवल आपको देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे MACD का भी इंडिकेटर बता रहा है कि इसमें जो है नेगेटिविटी का जो है माहौल बना हुआ है, RSI न्यूट्रल बता रहा है, और ये विलियम परसेंटेज ना तो ओवरबॉट ना तो ओवरसोल्ड की जोन में है फ्रेंड्स। एक न्यूज़ निकल कर आई है फ्रेंड्स, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मे ऑटो सेल लाइव मारुति M&M टाटा मोटर्स सी शार्प फॉल एमिट सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव की तरफ से जो है काफ़ी स्टेट्स में जो है लॉकडाउन है, जिसकी वजह से सेल में गिरावट हुई है करके एक रिपोर्ट निकल कर आई है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि इसमें गिरावट का माहौल कल भी बरकरार रहना चाहिए। अगर इसमें गिरावट होती है तो कोई नई एंट्री लेने के लिए मत सोचिएगा फ्रेंड्स, आप ये पर्टिकुलर शेयर को सेटल होने के लिए वेट कीजिए, और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी एक नज़र रखिएगा। अगर इसमें जो है ऑटो सेक्टर में गिरावट होती है तो इसमें भी आपको ज़रूर गिरावट देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि ये अगर ये नेगेटिविटी 2-3 दिन बरकरार रहेगी तो ये 300 भी टच कर सकता है फ्रेंड्स। तो इसमें अभी नई एंट्री के लिए मेरा कोई सजेशन नहीं है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि इसे मार्केट को सेटल होने दीजिए, इसके बाद में जो है एंट्री लेने के लिए सोचिएगा फ्रेंड्स। अभी तो मैं किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी सजेस्ट नहीं करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें न्यूज़ के बेसिस पे इसमें गिरावट का माहौल बरकरार रह सकता है फ्रेंड्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करिए फ्रेंड्स। मेरे ये तो मेरी व्यूज़ थे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।